जल्दी से भोपाल आ जाओ यार, मेरे को अकेला ऐसा फील हो रहा है। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं सोकर जगी हूँ। आई थिंक 11 बज रहा है एंड मॉर्निंग कॉफ़ी अच्छी बनी है। मेरा कुछ ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है, देखते हैं क्या करना है। यार गर्मी इतनी है कि इंसान बाहर घूम भी नहीं सकता। मेरा कल घूम घूम के पेट नहीं भरा, मतलब घूमना यार वो घूमना कोई थोड़ना था वो तो। बहुत तीखा बना है एक्चुअली। आई लव तीखा बट मैं बहुत ज़्यादा तीखा खा लेती हूँ ना तो मेरे को हिचकी आने लगती है। सो फाइनली अभी मैं निकल रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, यहाँ फाइनली टाटा गुड बाय कर रही हूँ। सो अभी कर लेते हैं फटाफट पैकिंग और निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। बज भी चुके हैं 5:30 या 6 आई थिंक। जरा कवर्ड की मेरे को पैकिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट करना ही पड़ेगा। चलो फटाफट पैकिंग कर लेते हैं। हो चुकी है आधी और अभी आधी पैकिंग नहीं हुई है। आई मीन 70% डन हो चुका है, अभी 30% पैकिंग करना है। और मेरे को एक ही बैग कैरी करने का मन है, दो बैग में ले जाने का मन नहीं है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं सारा सामान इसमें ही कैसे छूटूँ। देखते हैं अभी क्या करना। मैं फटाफट सॉल्व ले लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ फिर। ओके तो मैं हो चुकी हूँ फाइनली रेडी और ये है मेरा आज का आउटफिट। और अब हम निकलते हैं फटाफट क्योंकि बज चुका है 6:30 और बाहर का वेदर भी बहुत ही अच्छा है। ये लो मैं कैंडी को सोची वीडियो में लूँ तो कैंडी भाग रहा है। कैंडी अब तुम किसके साथ खेलोगे? मैं तो जा रही हूँ। कोई बात नहीं। कहाँ गया कैंडी? चलो कैंडी तुम्हारी ग्रूमिंग तो हो चुकी है, निकलते हैं। चलो इसको भी तुम ले लो, नीचे सामान रख देंगे फिर मैं इसको लेकर बैठ जाऊंगी। निकल रहे थे हम बाहर के लिए, तब तक आ गया डिलीवरी बॉय कुछ नहीं करके। अब हम वेट कर रहे हैं, बहुत गर्मी है बाहर। कैंडी डर गए थे तुम बाहर के बच्चों से? डर गए थे आप? फाइनली इतनी मशक्कत के बाद क्योंकि अकाउंट से पैसे हो नहीं पा रहे थे, फिर कहाँ कहाँ से मंगा करके हम लोगों ने रिसीव किया और ये तन के पड़ा। और
फाइनली मैं आ चुकी हूँ मिर्ज़ापुर, आई मीन BNS से मिर्ज़ापुर। अभी बज रहे हैं 9 और मैं कर रही हूँ पापा का वेट, बस पापा जल्दी से आ जाए। ओके, सो यहाँ पे मेरी मम्मी कर रही है हेयर ऑयलिंग, क्योंकि मैं ट्रैवल करके आया हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे बाल में डस्ट वस्ट पड़े थे। और मेरे घर में लंबा बाल मेरा ही है ना मम्मी, सबसे लंबा बाल। हाँ, बाबू का हो रहा है, मगर सबसे बड़ा तुम्हारा बाल, इसीलिए सब कटवाने के लिए भी मना करता है और मेरा खुद भी मन नहीं करता है। मुझे सबसे सुंदर बाल है, सोनू भी कहती है कि क्यों कटवाएगी उसका बाल, कम से कम हम लोग को देख करके तो संतुष्टि होता है, कम से कम एक लोग का तो बड़ा बाल है। मौसम अच्छा रहेगा तो चलेंगे ना? आप धूप अधिक रहेगा तो नहीं, मौसम अच्छा बादल उदल बनेगा तो पापा से चलेंगे, तो पापा ले चलेंगे। बोलना चाहता हूँ कि जल्दी से भोपाल आ जाओ यार, मैं को अकेला ऐसा फील हो। कोई बात नहीं, मैं जल्दी आऊंगी। शायद ना हो यार, मैं हमेशा क्यों बता देती हूँ, मैं जब भी आऊंगी मैं सरप्राइज दूंगी। ओके, सो मेरा हेयर ऑयलिंग हो चुका है डन, अब मैं जा रहा हूँ डिनर करने और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, गुड नाइट।